अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर जमीर और इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे HTML के कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स पर जो कि अमूमन हम उनको यूज़ करते हैं HTML में वेब डिज़ाइनिंग में। तो सबसे पहले टैग्स है हेडिंग के नाम से H1 और इसको मैं क्लोज करता हूँ H1 में, ठीक है H1 दोस्तों ये हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया तफसील से, ठीक है। तो ये मैं आपको शॉर्ट सिर्फ कुछ टेक्स्ट पर मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो H1 जो है ये हेडिंग को शो करता है, ठीक है। जिस तरह 6 कैटेगरीज होते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 6 तक, ठीक है। ये डिपेंड करता है हेडिंग की साइज पर, ठीक है। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो H1 होती है और इस तरह H6 जो वो सबसे छोटी होती है। उसके बाद है पैराग्राफ पी से हम इसको जाहिर करते हैं। और पैराग्राफ दोस्तों जब हम कोई आर्टिकल लिख रहे हों या कोई चीज़ हम लिख रहे होते हैं तो पैराग्राफ की शक्ल में हम लिखते हैं, तो पैराग्राफ के अंदर उसको लिखते हैं, तो उसके लिए ये टैग यूज़ होता है, ठीक है, पैराग्राफ के लिए, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा टैग है हमारे पास इमेज के नाम से, ठीक है। इमेज उसके बाद सोर्स आपने लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने उस इमेज का नेम लिखना है। मेरे डेस्कटॉप पर ये फाइल पड़ी है और उसी फाइल के साथ एक इमेज है a.jpg के नाम से, jpg, ठीक है। jpg दोस्तों ये इसके एक्सटेंशन है डॉट से और a उस फाइल का नाम है, ठीक है। और मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा टैग जो है वो है लिंक के बारे में, ठीक है। ऊपर ये देखें मैं इस तरतीब से आ रहा हूँ, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और लिंक, ठीक है। लिंक के लिए हम ए से जाहिर करते हैं लिंक को और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए को क्लोज करते हैं, ठीक है। ए क्लोज हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम लिंक देते हरिफ, ठीक है। यहाँ पर हमने एड्रेस देना होता है, ठीक है, उस URL का एड्रेस देना होता है, वो URL देने होते हैं जहाँ पर यूज़र को हम भेज रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यूज़र कहीं पर नहीं भेज रहा, ठीक है। और इसलिए मैं यहाँ पर हैश लगाता हूँ। हैश का मतलब ये कि उसी पेज पर भी वो यूज़र आ जाएगा, ठीक है, किसी और पेज पर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं एड्रेस या URL किसी पेज का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे www.google.com, ठीक है, या कोई और एड्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ हैश लगाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद होता है लिस्ट। लिस्ट दोस्तों आपको शायद मैं तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा इसके जो बाद वाले ट्यूटोरियल हैं, ठीक है। लिस्ट पर अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दो किस्म होती है लिस्ट की, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह होती है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट OL टैग लेते हैं आप, ठीक है, OL और उसके बाद क्लोज करते हैं, उसके बाद हम LI लेते हैं, ठीक है। LI ये आपको इंशाल्लाह तफसील से इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा जब आप मेरे इसके अगले वाले जो ट्यूटोरियल वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपने आइटम लिखने हैं, ठीक है, आइटम लिखने हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस तरह स्टूडेंट के नेम हो गए, ठीक है, कलर के नेम हो गए, इस तरह आप लिख सकते हैं आइटम, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करें और पेस्ट करें। और इसके बाद होता है ऑर्डर, ये तो ऑर्डर लिस्ट है, उसके बाद है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है दोस्तों। अनऑर्डर लिस्ट जो होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है कि ओ की जगह पर आपने यू लगा देना है, ठीक है, यू लगा देना है, यहाँ पर भी यू लगा देना है, ठीक है, यू। और मैंने इसको सेव किया और अपने ब्राउज़र में जा रहा हूँ, हो जाए एक्चुअली, ब्राउज़र में हम आ गए हैं, थोड़ा सा स्लो है लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये हमें अपना रिजल्ट दे देगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप देखें, सबसे पहले हमने हेडिंग ली थी, उसके बाद पैराग्राफ लिया था, उसके बाद ये इमेज जो था, ठीक है, मेरा पुराना इमेज है, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद ये हमारा अपना क्या है, लिस्ट आ गए, ठीक है। और एक चीज आप देख रहे हो कि लिंक हमारा नहीं आ रहा। लिंक क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि मैं आपको भी समझाता हूँ कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा, टेक्स्ट नहीं लिखा। यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे गो टू माई लिंक, ठीक है, ये टेक्स्ट वो होता है जो यूज़र को नज़र आता है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आ जाएगा गो टू माई
लिंक यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैं ये आप देख रहे हैं ये हैश का साइन आ रहा है, ठीक है। तो हैश मैंने यूआरएल दिया कि उसी पेज पर भी रहे, दूसरे पेज पर ना चला जाए, ठीक है। तो ये था एचटीएमएल यूजफुल टैग के बारे में, बार टैग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे।